खबर कासगंज से है। कासगंज इंटेलिजेंस टीम ने मुखबिर की सूचना पर 2500 रुपए के इनामी को गिरफ्तार किया है। यह इनामी दहेज हत्या के मामले में फरार चल रहा था। यह इनामी 2011 से फरार था। आइए हम दिखाते हैं आपको पूरा मामला। कासगंज पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार जनपद में इन दिनों इनामी अपराधियों की धरपकड़ में जनपद पुलिस जुटी हुई है। इंटेलिजेंस टीम ने 2500 का इनामी विनोद कुमार निवासी देवपुर थाना अमापुर को मुखबिर की सूचना पर अमापुर तिराहे पर गिरफ्तार कर लिया, जो कि कई धाराओं में वांछित था। अपराधी इसकी गिरफ्तारी से पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली हुई है। हम आपको बता दें कि यह अपराधी वर्ष 2011 से फरार चल रहा था। यह अपराधी दहेज हत्या के मामले में फरार था। ये विनोद कुमार सना प्रयोति सिंह निवासी देवपुर थाना अमापुर, जिनके विरुद्ध थाना पटियाली में दहेज हत्या का मुकदमा पंजीकृत था और ये वर्ष 2011 से फरार चल रहे थे और इनके ऊपर 2500 रुपये का इनाम घोषित था। जनपद में इस समय आईजी महोदय के निर्देशानुसार जो इनामी अपराधी हैं और वांछित अपराधी हैं, उनकी गिरफ्तारी का अभियान चल रहा है। इसी अभियान के दौरान इस इनामी अपराधी को क्राइम ब्रांच की टीम ने पकड़ा है, जिसमें सर टीम के प्रभारी अजय सिंह चाहर और सर्विलांस टीम के प्रभारी लाखन सिंह और हेड कांस्टेबल जोगिंदर सिंह ने इनको गिरफ्तार किया है। ये इनको लिया गया अमापुर क्षेत्र से, मुखबिर की सूचना पर अमापुर क्षेत्र से इनको लिया गया। एएनजी न्यूज ब्यूरो के लिए कासगंज से सुमित कुलश्रेष्ठ के साथ फहीम अख्तर।